सरकार के प्रयास के बाद पहली ट्रेन गुजरात के सूरत से 1200 प्रवासियों को लेकर कुमाऊं मंडल के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जब ट्रेन कल देर रात काठगोदाम स्टेशन पर पहुंची तो प्रवासियों के चेहरे पर अपने राज्य में सकुशल लौटने की खुशी साफ तौर पर देखने को मिली। सुरक्षा की दृष्टि से हर डिब्बे को एक साथ न खोलकर थोड़े थोड़े अंतराल में खोला गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखने को मिला। यहाँ पे प्राइम इम्पोर्टेंस है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए। वाइल डी बोर्डिंग और लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स जितने भी किए गए हैं उसमें जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो किए जाएँ। मेडिकल परीक्षण उपरांत और उनकी डॉक्यूमेंटेशन उपरांत उनको जो दूर के यात्री हैं उनको स्टेडियम में उनका स्टे अरेंजमेंट किया गया है, कोलापर स्टेडियम में। और जो हमारे नैनीताल के यात्री हैं उनको हमने पृथक से तीन पानी में अरेंजमेंट किया है, जिनको ये कोशिश रहेगी कि आज ही उनको हम घर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दें। वहीं प्रशासन ने प्रवासियों के लिए 40 बसों का इंतजाम किया। प्रवासियों को आने के बाद हल्द्वानी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ठहराया गया। थर्मल स्क्रीनिंग कर उनका विस्तृत ब्यौरा लेने के बाद उन्हें बसों के माध्यम से उनके संबंधित जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। इस विशेष ट्रेन में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के यात्री शामिल हैं। यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं सबसे पहले तो इनका मेडिकल यहाँ पर चेकअप किया जाता है। जैसे बागेश्वर वाले हैं उनकी एक परीक्षण करके पहले उनको अलग अलग बसों में, जैसे बागेश्वर वाले हैं उनको बागेश्वर भेजा जाता है, अल्मोड़ा वालों को अल्मोड़ा भेजा जाता है और पिथौरागढ़ वालों को पिथौरागढ़ भेजा जाता है। वैसे ही जो बाकी जिलों में रहने वाले हैं सभी की सेपरेट उनका परीक्षण करके उनको यहाँ से भेजते हैं हम लोग। वहीं आज सूरत से काठगोदाम तक रेल पहुंचने के बाद वहां से 17 बसों के माध्यम से 417 और देहरादून से 37 प्रवासी बागेश्वर जिले में पहुंचे। इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें होम क्वारंटीन और संस्थागत क्वारंटीन के लिए भेजा गया। लॉकडाउन में घर जाने की छूट मिलने के बाद अभी तक महानगरों और राज्य के भीतर गुजर बसर कर रहे बागेश्वर जिले के 3557 लोग अब तक बागेश्वर जिले में पहुँच चुके हैं। गाँव से हम लोग कल चले थे और फिर कल नाइट में हल्द्वानी में रुके थे, हल्द्वानी में स्टेडियम में, तो वहाँ पर सोने की ये वो खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। और बाकी उसके बाद सुबह हम लोगों को सैनिटाइज बस में बिठा के बागेश्वर ले आया गया। मैं सूरत से अभी आया हूँ, ट्रेन से आया हूँ। यहाँ से बढ़िया व्यवस्था की गई थी, रास्ते में भी खाने की व्यवस्था सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। और हल्द्वानी से हम बस में आए हैं, अभी बागेश्वर में पहुँचे हैं। टैक्सियों और निजी वाहनों से भी विभिन्न स्थानों से लोग बागेश्वर लौट रहे हैं। सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। अभी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे रास्ते में, खाना पीना नहीं मिला, पानी आने भी मिला और बागेश्वर में भी आए, यहाँ भी खाना नहीं मिला सर। बिलौना बस अड्डे और बिलौना स्थित एक निजी स्कूल में बसों और बाहर से आने वाले यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके चलते अभी तक बागेश्वर जिला ग्रीन जोन बना हुआ है। अभी जो हमारा रोडवेज है महर्षि विद्या मंदिर, यहाँ पे आज हमें सूचना मिली थी कि हमारी टोटल 11 बस में लगभग 450 के लगभग यात्री आने वाले हैं जो ट्रेन से सूरत से आए हैं। इसमें से अभी तक 11 बसें आ चुकी हैं, लगभग 400 यात्री आ चुके हैं और एक समय में हम एक ही बस के यात्रियों को आवागमन के लिए अलाउ कर रहे हैं और अन्य यात्रियों को हम जब एक व्यक्ति एक गाड़ी का कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद ही हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते